शुरू से कह रही हूँ कि जो भी आया चलिए फैमिली वैमिली पे देखिए, मैं नहीं बोलती ज्यादा, ना मेरा कोई हक है और ना मैं उसमें ज्यादा कुछ बोलना चाहती हूँ कि उनको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था, जो भी है। एंड इट्स वेरी हमारे जैसे लोगों को उस पर कुछ भी बोलना ठीक नहीं है। पर देखिए जहाँ तक सुप्रिया मैम की बात है, मैं ज़रूर बोलूँगी कि उन्होंने मतलब इतना काम किया हुआ है और उनको प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं है, बात मैं शुरू से ही कह रही हूँ। पर जो भी नई आई लेडी आई है, विद रिस्पेक्ट है बट सीधी सी बात है, उनको प्रूफ करना पड़ेगा सर, बिकॉज वी हैव नेवर सीन हर इन पॉलिटिक्स। तो मतलब ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहते हम इस पर, पर सुप्रिया मैम इज लाइक वी हैव सीन हर स्पीकिंग इन द पार्लियामेंट, वी हैव सीन हर वर्किंग ऑन द फील्ड, एंड जिस तरह से बारामती के लिए उन लोगों ने काम किया है उस बात को कोई नकार नहीं सकता है। और वो काम किसने शुरू किया था बारामती के लिए, वो बात भी सब लोग जानते हैं। ठीक है, बीच में लोग आए गए होंगे, चाहे वो जो भी लोग हैं, मतलब उन्होंने भी किया होगा काम, मैं ये नहीं कहती। पर जनरली जो किसका प्रोजेक्ट है और किसका वो ड्रीम है और किस तरह से बारामती में चीज़ें हुई हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है, इस बात से कोई नकार नहीं सकता कि इट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ रिस्पेक्टेड पवासा एंड नोबडी एल्स।